हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो बनती है लड्डू, बेसन के लड्डू मैं बनाने जा रही हूँ, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप भी अपने भगवान के लिए इस तरह का लड्डू बनाएं। तो चलिए, मैंने इसके लिए एक कटोरी बेसन लिए हैं, जिसको अच्छे से आप छन्नी से छान लें और अच्छे से इसको साफ कर लें, अच्छे से इसको पूरी तरह से इसका गुठली ना रहे। अब मैंने चीनी लिए हैं एक कटोरी के लगभग। आप देख सकते हैं इधर मैंने दो चार काजू भी लिए हैं और इलायची भी लिए हैं, दो घी मैंने लिए हैं। तो चलिए, मैं पैन गरम कर रही हूँ इधर गैस पे। पैन गरम हो जाए तो इसमें सूखा पहले आप बेसन को अच्छे से डाल करके इसे भूनिए। इस तरह से आप भी चलाते हुए भूने। आप देख सकते हैं मैंने सूखे ही घी को भून लिए हैं अच्छे से। इस तरह से आप भी इसमें थोड़ा थोड़ा घी एक एक चम्मच करके डालते जाएं और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए भूनते जाएं। एक बार में पूरा घी ना डालें, इस तरह से इसको डालते जाएं। धीमी फ्लेम रखें, दो मिनट के लगभग लगता है इसे भूनने में। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। इलायची को कूट करके आप चाहें तो अभी इसमें ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं थोड़े से, एक चुटकी के लगभग। आप चाहें तो हल्दी डाल दें या फूड कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर मैंने लिए हैं, एक पिंच के लगभग मैं इसमें से डाल दूंगी जब अच्छे से भूनने लगेंगे। तो ये ध्यान रखें इसमें गुठलियाँ ना पड़ने दें। इस तरह से आप ही मिक्स करते हुए इसे अच्छे से थोड़े थोड़े घी डालते जाए बराबर से। इस तरह से आप डालते रहें इस तरह से और इसको अच्छे से भूनते रहें। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी उसमें हल्की हल्की कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इस तरह से आप ही भूने सकते हैं। मैंने बेसन को अच्छे से भून लिए हैं। लगभग मुझे एक कप मैंने घी लिए थे जमे हुए, उसमें से आधे कप के लगभग मैंने घी का यूज किया है। इधर मैंने जो मैं चाशनी बनाऊंगी उसका जो पानी है उसमें मैंने चुटकी भर कलर डाल दिए हैं। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं, अगर पीला कलर पसंद हो तो आप हल्दी डाल लें, नहीं तो। तो चलिए चाशनी बनाते हैं हम। इसको नीला चलिए इसे कूट करके इसमें आप डाल दें। ऑन कर लिए हैं, आप देख सकते हैं मैंने गैस ऑन कर लिए हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा जो मैंने पानी डाले थे, क्योंकि खाली चीनी डालने पर जलने का डर रहता है, इसलिए मैंने थोड़े से इतने पानी मैंने डाले। इसी में मैंने कलर भी डाल दिए हैं। अब ये चीनी है, इसे मुझे सिर्फ लिक्विड बनाना है, उसके बाद मैं उतार लूँगी इसे। इस तरह से इसमें डालते जाएं इस तरह से और इसे अच्छे से मिलाएं। आप देख सकते हैं चीनी में हो रहे हैं, एक पूरे से मिल जाएंगे अच्छे से, घुल जाएंगे पानी में। और थोड़ा सा एक उबाल आए उसके बाद मैं इसे उतार लूँगी। आप देख सकते हैं एक उबाल आ गया हुआ है लाल चाशनी में। अब इसे आप गैस से उतार दें और ठंडा होने दें। इधर मैंने काजू को भी कट कर लिए हैं जो आप देख सकते हैं। इसे मैं बेसन को ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब प्लेट में एक बेसन भी ठंडे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने बेसन को ठंडे कर लिए। अब इसमें हल्का हल्का चाशनी डाल डाल करके आप भी इसे मिलाते जाएँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालें, एक बार में अधिक ना डालें इसको। इस तरह से स्पून की सहायता से इस तरह से मिलाते जाएँ, जैसे पूरे हाथ सहने लायक हो, अधिक गर्म ना हो। इस तरह से आप भी इसे मिलाते रहें, थोड़े थोड़े फूट कर चाशनी डाल करके इस तरह से। एक बार में अधिक मिला देंगे तो इसमें लम्स आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आपके लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। आप देख सकते हैं कितने जो ये मेल्ट हो चुके हैं बेसन और चाशनी दोनों भुना हुआ। इसी तरह से आप भी, अभी हल्का हल्का सा गर्म है, नहीं गर्म रहना चाहिए, अधिक गर्म ना डालें नहीं तो मिलाने में परेशानी होगी। अगर गीला हो जाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे पंखे की हवा में थोड़ी देर के लिए रख दें। और इस तरह से आप चाहें तो इसमें इलायची, तो मैंने चाशनी में ही डाल दिए थे, कुछ काजू के टुकड़े आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से आप चाहें तो किशमिश ऐड कर लें, इस तरह से इसमें छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इस तरह से मैंने
नाइफ की सहायता से इसे कट कर लिए थे इस तरह से बहुत ही। और भी कोई ड्राई फ्रूट आपके पास, नारियल का बुरादा हो, इलायची हो और चिरौंजी हो, कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें यूज करेंगे, किशमिश समय में देखिए इस तरह से आप ऐसे करते हुए इसे लड्डू का शेप देते हुए इस तरह से आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी आसानी से ये बन जा रहा है। आप भी इसी तरह से बनाइए और अपने गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप इसे इस तरह से देखिए देख सकते हैं। इस तरह मैं सारे को अभी बना करके आप लोग को दिखाती हूँ। आप काजू से, किशमिश से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, नारियल के बुरादा भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा ये बना है। आप भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसे बनाएं, हरितालिका तीज के अवसर पर बनाएं। आज हरितालिका तीज है, इसकी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे रहे, खुश रहे। कैसा लगा मेरा वीडियो इसे शेयर करें, लाइक करें। आप इसे तोड़कर भी देख सकते हैं, देखिए कितनी क्रिस्पी, कितना टेस्टी होगा। जब देखने में इतनी सुंदर है तो खाने में कितना अच्छा होगा। तो आप लोग भी इसे शेयर करें और बनाएं, भगवान को भोग लगाएं इसे। आपको व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है वो काजू इसमें डाला हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।